हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी फ्रॉक कैप लेकर आई हूँ। इसे बनाने का मेथड है वो वेरी इजी है, आप ट्राई ज़रूर करें। सबसे पहले हमें नेट लेनी है और नेट को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें कपड़े को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। जैसे कि कैप हम 9 इंच की तैयार करेंगे तो हम लेंथ ले रहे हैं, फोल्ड करने के बाद 9.5 इंच लेंथ ले रहे हैं। और लेंथ लेने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। इस कपड़े को हमें कट करना है और इसके बाद अब हम इसे ऐसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। हमें कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड करके रखना है और कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, शोल्डर की तरफ बन साइड होनी चाहिए कपड़े की। तो मैंने इसे फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है और फुल लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 19 इंच आ रही है और ये जो हमारी कैप है ये सिल के तैयार 18.5 इंच की होगी, हाफ इंच ही सिलाई में जाएगा। और गले की चौड़ाई हम 2 इंच ले रहे हैं और यहाँ पे जो गले की लेंथ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसकी लेंथ आप 2.5 इंच भी ले सकती हैं, ये 3 इंच बहुत अधिक हो जाती है। और जब भी बेबी कैप बनाएं तो आप 2.5 इंच ही गले की लेंथ लें और 1/2 इंच पे हमें इसकी गोलाई करनी है। और अब हम बाद में इसे कट करेंगे, पहले हम इसमें बैक गले की गोलाई और करेंगे। बैक गले की गोलाई के लिए हम जो मार्क करेंगे वो हमें 1 इंच पे करना है। ये हमारा फ्रंट का रहेगा जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करने के बाद गोलाई कर रहे हैं, ये हमारा बैक रहेगा। सबसे पहले हमें बैक गले को कट करना है। बैक गले को कट करने के बाद जो हमारे कपड़े की तह है इसे हम ऐसे एक तह को हमें खोलना है एक तह को हम खोलेंगे और इसके बाद ऊपर से हमें एक पर्दे को अलग करना है और तब हमें फ्रंट गले की गोलाई करनी है, कटिंग करनी है ऐसे। इसके बाद अब हमें गले का सेंटर लेना है बैक गले का, क्योंकि हम बैक गले को पीछे से कट करेंगे तो हमें बैक गले का सेंटर लेना है और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन हमें खींचनी है बैक गले पर। यहाँ पे हम बैक गले पर सीधी लाइन खींचेंगे और इसे हमें कट करना है। यहाँ पे हम चैन लगाएंगे बैक गले में। तो जो हमारी कैप थी इसकी जो ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गई है। इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का मेथड बताती हूँ। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बैक गले में चैन लगानी है और चैन लगाने के लिए हमें यहाँ पर 2 पट्टियाँ लगानी हैं और पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है, लेंथ मैंने इसी के अकॉर्डिंग ली है कैप के अकॉर्डिंग। और हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें कैप वाले कपड़े को मैंने सीधा रखा हुआ है, इसके बाद मैं इस पर फोल्ड करने के बाद पट्टी सिल रही हूँ और सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे मैंने ये पट्टी पर सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी सेम इतनी ही चौड़ाई वाली पट्टी को सिल दिया है। इसके बाद अब हमें चैन लेनी है, चैन पर ये पट्टी हमें ऐसे रखनी है ताकि ये चैन दिखाई ना दे। और इस पट्टी को जो हमने अभी सिली थी इसे हमें फोल्ड नहीं करना है अंदर की तरफ, ये एक तरह से बड़मा पट्टी रहेंगी और हमें इन्हें ऐसे ही सिलना है और ये चैन हमारी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसे इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है और इसके बाद दूसरी पट्टी को भी सेम हमें ऐसे ही रखना है और सिलाई लगा लेनी है। चैन को कवर करते हुए दूसरी पट्टी को भी हमें ऐसे रखना है, फिर हमें सिलाई लगानी है अच्छे से। ध्यान रखें सिलाई या फिनिशिंग से लगाएं ताकि झोल भी ना आए और देखने में बहुत अच्छी लगे। इस तरीके से हमें पट्टी को सिलना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये पट्टी सिल दी है और चैन बहुत अच्छी सी लगी है फिनिशिंग के साथ। इसके बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा चैन है इसको हमें कट करना है। अब ये चैन कट करने के बाद हम गले की जो एक गोलाई है इसका नाप लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे। तो ध्यान रखें हमें नेट को खींच के नहीं नापना है, अच्छे से हमें इंची टेप को ऐसे रखते हुए इस गोलाई का नाप लेना है। ये जब भी हम कॉलर लगाएं तो गले की गोलाई का जो नाप लें यही आप अच्छे से लें,
तो इसकी गोलाई का नाप 15.5 इंच है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो मैंने बुकरम को ऐसे फोल्ड किया है, हुआ है मैंने बुकरम को ऐसे फोल्ड किया है। बुकरम की लेंथ मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई इसकी हमें गोलाई के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे गोलाई 15.5 इंच आ रही थी गले की, तो उसके हाफ इंच पे हमें एक मार्क करना है। बुकरम हमारी फोल्ड है और हाफ इंच से थोड़ा कम मैंने मार्जिन के लिए लिया है जो सिलाई में जाएगा। तो 15.5 इंच का हाफ हुआ 7.25 के करीब। और इसके बाद यहाँ पे खुली साइड की तरफ हमें एक मार्क हाफ इंच पे करना है और उसे खुली साइड की तरफ ऐसे तिरछा कर देना है। और इसके बाद अब हम खुली साइड की तरफ से मार्क करेंगे। अब की बार हमने बंद साइड की तरफ एक मार्क हाफ इंच पे किया था। इसके बाद ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क करना है और उसे बंद साइड की तरफ तिरछा कर देना है। इसके बाद इसे कट करने से पहले यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे ताकि जो हमारी बुकरम है इधर उधर ना हो और फिनिशिंग से कटे, तो इसलिए हम इसे पिनअप कर लें। या आप सिलाई भी लगा सकती हैं सेंटर में, तब इसे आप कट करें। अब हम इसे कट कर लेंगे। जो हमारी कॉलर है इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच है। तो इस तरीके से मैंने इसे कट किया है और यहाँ पे खुली साइड की तरफ हमें हल्की सी गोलाई करनी है। तो हमारी जो कॉलर है इसकी कटिंग भी हो गई है। इसके बाद अब हमें एक कपड़ा लेना है। इस कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारी बैक साइड है, ये कपड़े की उल्टी साइड में हमें ऐसे बुकरम को रखनी है कॉलर वाली और इस पर सिलाई लगानी है। और ध्यान रखें सिलाई में हमें साइड से ज़्यादा बुकरम नहीं लेनी है, उतनी ही लेनी है जितनी हमने एक्स्ट्रा ली थी। और ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ हमें हल्की सी बुकरम सिलाई में रखनी है और साइड से उतनी ही रखें जितनी हमने एक्स्ट्रा ली है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करना है। अब इसके बाद इसे कट करने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। आप इसे अच्छे से सीधा करें। सीधा करने के बाद नीचे की तरफ आप इस पर ओवरलॉक कर लें और या फिर आप सिलाई लगा लें। सिंपल ऐसे ओवरलॉक कर सकती हैं या पीको भी कर सकती हैं। ऐसे मैंने इस बार पीको कर ली है। इसके बाद मुझे एक लेस लेनी है और लेस यहाँ पे मुझे सिलनी है इस पर। इससे कॉलर की लुक है बहुत अच्छी आ जाएगी। और इस तरीके से आप इस पर लेस भी सिल सकती हैं या मोती भी लगा सकती हैं। ऐसे मैंने इसके ऊपर लेस सिली है। अब इसके बाद हमें ये जो कैप है ये लेनी है और इस कैप के कपड़े को हमें सीधा रखना है और ऐसे कॉलर को हमें उल्टा रखते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखें जब भी हम इस पर सिलाई लगाएं, नेट का कपड़ा है खींचता है, तो आप हल्के हाथ से ही सिलाई लगाएं, नेट के कपड़े को खींच कर सिलाई ना लगाएं। आप ऐसे देखते हुए हल्के हाथ से आपको इसमें सिलाई लगानी है। गले के कपड़े को अच्छी तरह से करते हुए आप सिलाई लगाएं। ध्यान रखें आपके जो नेट है ये खींचे ना। और इस तरीके से हमें ये इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। जितना कपड़ा शुरुआत में सिलाई में लिया है उतना ही आप लास्ट तक लें। इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद सिलाई वाले कपड़े को हमें ऊपर की तरफ करना है ऐसे, और एक सिलाई और लगा लेनी है क्योंकि ये जो कपड़ा है हमारा नेट का है, नीचे सिलाई वाला कपड़ा दिखाई देगा। तो हमें सिलाई वाले कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए एक सिलाई इसमें और लगा लेनी है। तो यहाँ हमने कॉलर भी लगा लिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो ये पूरे में ही लेस लगानी है, तो मैंने ये सिल्वर कलर की लेस ली है। आप कपड़े के मैच की लेस भी ले सकती हैं। और कपड़े को हमें हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है ऊपर की तरफ और सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखें कपड़े को हमें ऐसे सीधा रखा हुआ है और सीधी तरफ ही मैंने हाफ इंच कपड़े को फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद अब मैं लेस के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद दूसरी साइड से हमें इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हमें लेस को रखते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये जो ये हमारी लेस है इस पर मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और हमारी जो ये कैप है ये कंप्लीट है। इस तरीके से मैंने फ्रॉक की कैप को बनाया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।